हमको देखेंगे। कुरान में दीन हनीफ पे चलने की बहुत ताकीद है। कुरान शरीफ के अंदर दीन हनीफ के ऊपर चलने की बहुत ताकीद है। बहुत सी जगह लिखा हुआ है कि दीन हनीफ पे चलो। अब दीन हनीफ क्या है, जिसके बारे में लोग ज्यादा गौर नहीं करते, तफसीरों में भी ज्यादा लिखे हुआ नहीं है दीन हनीफ क्या है। तो कुरान शरीफ में बहुत जगह लिखा हुआ है कि दीन हनीफ पे चलो। दीन हनीफ, हनीफ का मतलब है अलग थलग हो जाना, सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ के अलग हो जाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहाड़ पे जाके बैठ जाओ। इस्लाम में पहाड़ पे जाके बैठना, संन्यास लेना जायज नहीं है, अप्रूव किया हुआ नहीं है। इसलिए हमारा अलग का मतलब ये है कि बाकी सारी बातें छोड़ दो, सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर अमल करो। अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल का जो उसवा जो है, जिसको हदीस बोलते हैं, हुजूर सल्लम की सुन्नत जो है वो, और अल्लाह की किताब, ये दोनों को पकड़ लेंगे और उसके ऊपर चलेंगे, इसको बोलते हैं दीन हनीफ पे चलना। जब तक दीन हनीफ पे नहीं चलेंगे तो जो है ना, इसका सही रास्ते पे नहीं आएंगे और अपना अल्लाह ताला उरूज नहीं देगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने नबी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। जैसा देखो, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि मैं अपने नबी को बेयारो मददगार या लावारिस नहीं छोड़ूंगा, मैं जरूर अल्लाह की नबी की मदद करूंगा और उनको उनका नुसरत करूंगा। ये कहा लिखा हुआ है सूरह नंबर 20 में आयत नंबर 123, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 123। अब अल्लाह ताला ने कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि मेरे अपने नबी को मैं लावारिस या बेमददगार नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि खाली बात हुजूर तक थी। हुजूर सल्लम तो जो है ना, एक उसवा थे, एक नमूना थे, एक एग्जाम्पल थे हमारे लिए। ये बात पूरे उम्मत मुसलमान के लिए, उम्मत के मुसलमानों के हर आदमी के लिए है, और पूरे इंसानों के लिए भी है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबके लिए है कि वो बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, बल्कि मदद करेगा, नुसरत करेगा, तरक्की देगा। वो कब देगा? जब सही रास्ते पर चलेगी। ये हुजूर को जो कहा है वो हमारे लिए भी है। इसका मतलब ये हमारे लिए इसमें खुशखबरी भी है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए खुशखबरी है कि हमको बे यारो मददगार नहीं छोड़ेगा। हमारे हालात कितने भी खराब हो, अल्लाह ताला हमको बे यारो मददगार नहीं छोड़ेगा। यह सूरह नंबर 20 आयत नंबर 123 में है। इसका मतलब अल्लाह हमारी मदद करेगा, मगर कब करेगा? जब बच्चा रोएगा। बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएंगी, बच्चा नहीं रोएगा तो बच्चा सोता रहेगा। तो इसलिए जो है ना, हमें बेरो नहीं छोड़ेगा, रसूल का उसवा हमको उस पर चलना चाहिए, और अल्लाह की किताब और अल्लाह की जो रसूल का उसवा है और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उस पर अमल करना चाहिए। बाकी सब चीज़ को छोड़ के दीन हनीफ पे आना चाहिए। दीन हनीफ का कुरान शरीफ के अंदर यही मतलब है। कुरान शरीफ के अंदर बहुत जगह लिखा हुआ है कि दीन हनीफ पे चलो, दीन हनीफ पे चलो। इस बात के ऊपर मुफस्सरीन ने ज्यादा जोर नहीं लगाया, मगर मैंने ढूंढ के निकाला है, दीन हनीफ का मतलब है सबसे अलग होकर, हर चीज़ को छोड़ के, बाकी सारे लोगों की बातें छोड़ के सिर्फ कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए।